अखिल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मध्याह्न संवाद, डेली 8-2 PM। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के मध्याह्न संवाद 8-2 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार सोमनाथ से। सोमनाथ बाईपास के पास कार से कुचलकर एक अधेड़ की मौत हो गई है। कल रात प्रभात पाटन पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर नीचे सोमनाथ जूनागढ़ राजमार्ग नेशनल हाईवे दोषी आम प्रभास पाटन के पास एक 4 पहिया वाहन चालक GJ 32 AN 7227 की एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर कुचलकर मौत हो गई है। इस दुर्घटना से राजा गोविंद भाई उम्र जिनकी 66 वर्ष, जो कि सोमनाथ बाईपास कनकई मंदिर के पास व्यवसाय करते थे और घटनास्थल पर ही पहुंचे, और उनके परिवार ने प्रभास पाटन पुलिस स्टेशन में 4 पहिया वाहन GJ 32 AA 7227 के चालक के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि तेज गति से वाहन चलाना और मृतक के जीवन को खतरे में डालना, मृतक के दोनों पैरों और छाती में फ्रैक्चर और की चोटें पाई गई है। आइए अब समाचार सोमनाथ जिले के वेरावल क्षेत्र से। वेरावल पाटन में रामदेव पीर ध्वजारोहण महोत्सव के तहत समस्त खारवा समाज द्वारा जीतू भाई कुहाड़ा सहित किशोर भाई कुहाड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। खारवा समाज के इष्ट देवता रामदेव पीर महाराज के ध्वजारोहण के बाद से कई वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन बैलगाड़ी में कर जलेश्वर रामदेव पीर मंदिर में किया गया और ध्वजारोहण किया गया, जिसमें खारवा समाज के प्रेसिडेंट द्वारा ध्वजारोहण किया गया और समस्त खारवा समाज के पटेल जीतू भाई मोहन भाई कुहाड़ा उप सरपंच के सदस्य और उपस्थित रहे और इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों एवं अन्य नेताओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया था। और पत्रकार योगेश भाई, प्रभुदास भाई, संती कुंवर ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन नारायण भाई बंधिया, गोपाल भाई कोमफुड़ी ने अच्छे ढंग से किया और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संपूर्ण सहयोग भी पाया गया था। आपको बता दें कि खारवा समुदाय सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। दीव से कुछ खारवा मोजाम्बिक और बाद में वहाँ से लिस्बन चले गए और मराठा साम्राज्य ने 1600 के दशक में मध्य में अपनी नौसेना के लिए भंडारियों और कोलियों के साथ साथ खारवा को भी बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। कहते हैं कि खारवा कुशल मछुआरे और नाविक रहे हैं और जिन्हें अदन, जांजीबार और सिंगापुर जैसी दूर दराज की जगहों की यात्रा करके समुद्र पर अनुभव था, उन्हें जहाज बनाने का भी अनुभव रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जहाज से माल आयात और निर्यात करना यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय बना हुआ है। वे ओमन, UAE, सोमालिया और अफ्रीका के अन्य हिस्सों सहित कई देशों में व्यापार करते हैं और कई खारवा लोगों के पास अब माल निर्यात करने के लिए अपने जहाज हैं और उन्होंने विभिन्न सहकारी समितियां स्थापित की हुई है। अमो छोटा एक परिवार आज छेला 62 वर्ष थी परंपरागत खारवा समाज की ध्वजारोहण कार्यक्रम रामापीठी गजानो जो प्रोग्राम हो भव्य स्वागत करता आया छे, करता आता रहू। अमरा पुत्रों, मारा पति जेकर भाई चोटाई, मारा पुत्रों डॉक्टर निशांत चोटाई, डॉक्टर कृष्ण चोटाई, ए पण आ परंपरा चालू राखशे एवी अमने चोक्कस खात्री छे। अने आ धार्मिक उत्सव में अमे सहभागी बनीए छीए अने सर्व पंच चौवटिया सभ्यों, पटेलों, सर्व आगेवानों अमारे त्यां शांति थी विराम ले अने अमे ए लोकोने जलपान करावीए छीए। आज एकादशीना दिवसे एमनो अमे आनंद अनुभवीए छीए। अब समाचार वृक्षारोपण के बारे में। स्वर्गीय सोनी हीराबेन प्रभुदास संती कुमार सेवा ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर को वृक्षारोपण किया गया और मुख्य अधिकारी एवं नगर पालिका अध्यक्ष योगेश संती कुमार ने उपस्थिति अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ वृक्षारोपण किया। स्वयं धनक स्वर्गीय अरविंद भाई प्रभुदास भाई संती कुमार, स्वर्गीय अरविंद भाई प्रभुदास भाई संती कुमार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन पर सोनी किताबेन दिलीप भाई चल्ला और सेवा ट्रस्ट आदर्श दिलीप भाई वन स्तरीय जल्ला के प्रयास से समाज सेवी सोनी योगेश सतीश एवं मुख्य पदाधिकारी चेतन भाई दुड़िया द्वारा वेरावल में श्रद्धेय सोनी हीराबेन प्रभुदास सदी कुमार सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष दिलीप भाई
वस्ता रेव चल्ला के मार्गदर्शन में एक विशेष वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम अध्यक्ष पल्लवी बेन, जयदेव भाई जानी, कश्यप भाई समानी, सैनिटरी इंस्पेक्टर हरदीप सिंह खैर, नगर सेवक बादल भाई हनबल, मुख्य अधिकारी चेतन भाई दुड़िया एवं वेरावल सेवा संघ के अध्यक्ष विवेक भाई दवे विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। पत्रकार सोनी योगेश भाई सती कुमार की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम कार्यालय एवं आम्बेडकर उद्यान में पौधे लगाए गए हैं। आज ना दिवसों में कार्यक्रमों की आम तो श्रृंखला होती है। आप सवेरे इणाज खाते स्वच्छ धूमित श्री गणेश कराया, त्या मोटा पाया पर वृक्षारोपण थे। बपोरना भागे नगरपालिका अंदर अपना ज ब्रांड एम्बेसडर श्री योगेश भाई सती कुंवर ट्रस्ट मध्यम थी अपने वृक्षारोपण कर। અમારા સ્વચ્છતાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે, એટલે કે શહેરના નાના મોટા પ્રસંગ હોય સદાય તત્પર રહી અને નાગરિકોને સ્વચ્છતામાં નાગરિક ધર્મ પ્રત્યેની જાણકારીમાં સદાય અગ્રેસર રહે છે, એમના માધ્યમથી પણ આપણે આજે કાર્યક્રમ કર્યો અને છેલ્લે આ સાંસ્કૃતિક અને સખી મંડળોને વર્ક ઓર્ડર વિતરણનો કાર્યક્રમ કર્યો. આવનારા દિવસોમાં એક તરફ કાર્યક્રમો થયા કરશે, એક તરફ સ્વચ્છતા ઝુંબેશ આગળ વધશે. અને આપણે ફરીને પુનરોચ્ચાર કરીએ કે શહેરમાં સ્વચ્છતા માટે જે સૌથી મોટી સમસ્યા છે એ પોઈન્ટ સિસ્ટમની નાબૂદી આપણે આ સફાઈ ઝુંબેશ દરમિયાન અવશ્ય કરીશું. ધન્યવાદ. આજના દિવસે વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જન્મદિવસ છે, વેરાવળ પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સાહેબનો જન્મદિવસ છે અને મારા મિત્ર અને સતી કુંવર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ એવા યોગેશભાઈનો પણ જન્મદિવસ છે. તો એ નિમિત્તે આજે એમના દ્વારા પણ આજે આપણે મ્યુનિસિપાલિટીની અંદર એ નગરપાલિકાના ગ્રાઉન્ડની અંદર વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ ખૂબ સફળતાથી કર્યો છે. આપ પણ બધા વૃક્ષ વાવો અને વેરાવળને ગ્રીન બનાવો. उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गांधी गुजरात। नमस्कार।